हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे कि घूर्णन गति यानी दैनिक गति क्या होता है, परिक्रमण गति यानी वार्षिक गति क्या होता है। इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, मैप के थ्रू पढ़ेंगे और लास्ट में क्वेश्चन को भी देखेंगे। मेरे वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन पर जाके अपना कमेंट भी हमें जरूर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की गतियां। देखिए, पृथ्वी की दो गतियां होती है। एक होती है दैनिक गति, जिसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, जो पृथ्वी अपने अक्ष है घूमता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं घूर्णन गति यानी दैनिक गति। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, जो किस आकार का है, नारंगी के समान है। न्यूटन साहब ने कहा नारंगी के समान, अरस्तु ने कहा गोल है, पाइथागोरस ने भी कहा गोल है और अरब के लोगों ने कहा कि पृथ्वी जो है अंडा का आकार है, क्योंकि ऊपर से जो है पृथ्वी जो है चिपटा है, ठीक है, तो नारंगी के समान ही ऐसा दिखता है। अरब लोग का मानना है कि ये अंडे का आकार का है, ठीक है, यानी अगर इसको भी देखेंगे तो यह चिपटा है, ठीक है। अब ये जो है अपने अक्ष पर जो है घूमता है, ठीक है, पश्चिम से पूरब, ये पश्चिम से जो है पूरब जो है पृथ्वी जो है घूमता है और इसी को कहा जाता है दैनिक गति, और जिसके कारण दिन और रात होता है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, 24 घंटा। तो जो दैनिक गति है पृथ्वी का, उसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है, यानी दिन और रात का कारण कौन सा है, दैनिक गति है। इसी को कहते हैं पृथ्वी का घूर्णन गति। समझ गए आप। अब जो है परिक्रमण गति क्या होता है, तो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में करता है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अब चलिए यहां हम इसको देखते हैं कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। परिक्रमण क्या है, परिक्रमण है पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है, सूर्य के चारों तरफ जो है पृथ्वी जो है घूमता है पश्चिम से पूरब। अब ये सूरज है, ये आपका सूरज है, ठीक है, अब इसके चारों तरफ पृथ्वी जो है घूम रहा है। यहां से हम शुरू करते हैं, ये पृथ्वी है। 21 मार्च को इसकी परिक्रमण गति के कारण ही 21 मार्च को वसंत ऋतु हमें 21 मार्च से शुरू होता है, हमको देखने को मिलता है। और ये वसंत ऋतु जो है 21 मार्च से लेकर 20 जून तक जो है वसंत ऋतु आपको दिखेगा। उसके बाद 21 जून से जो है वह शुरू हो जाता है ग्रीष्म ऋतु, और इस ग्रीष्म ऋतु के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है। अब पूछेंगे सर दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध क्या है, ये भी बताइए। तो देखिए ये पृथ्वी है, इसके बीच से जो है विषुवत रेखा गुजरता है। क्या गुजरता है, विषुवत रेखा, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसी को इक्वेटर कहते हैं। इसके ऊपर यानी नॉर्थ पोल और इसके नीचे यानी साउथ पोल, यहां से यहां तक जो होता है इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल। तो इधर जो है दिन ऊपर जो है 21 जून को सबसे बड़ा दिन नॉर्थ पोल पर यानी उत्तरी ध्रुव पर देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं। कर्क रेखा पर
लंबवत होता है सूरज, और इसी कारण उत्तरी गोलार्ध पर जो है दिन बड़ा और रात जो है छोटी होती है। क्या होता है? दिन बड़ा और रात छोटी होती है। उत्तरी गोलार्ध यानी 21 जून को कर्क संक्रांति कहते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध पर दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। यहां तक आप समझ गए। अब इसके बाद आता है 23 सितंबर को शरद ऋतु। क्या आता है? शरद ऋतु। 23 सितंबर को शरद ऋतु आता है, और उसके बाद जो है शीत ऋतु आता है 22 दिसंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध पर उस दिन बड़ा दिन और रात छोटा होता है। यानी 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा, यहां से यहां जो है, यहां से गुजरता है आपका मकर रेखा और यहां से गुजरता है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री पर स्थित है। 23.5 डिग्री पर जो है कर्क रेखा भी है और मकर रेखा, तो इसको कहते हैं मकर संक्रांति। क्या कहते हैं? मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसीलिए कहते हैं मकर संक्रांति। यानी दक्षिणी गोलार्ध, यानी दक्षिणी गोलार्ध पर जो है दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी। कब? 22 दिसंबर को। किस दिसंबर को? 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ पोल पर जो है दिन बड़ा और रात छोटी, और नॉर्थ पोल पर कब बड़ा होगा? 21 जून को दिन बड़ा और रात छोटी। यानी यहां 21 जून को दिन बड़ा और रात छोटी नॉर्थ पोल पर, और साउथ पोल पर यानी दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को जो है दिन बड़ा और रात छोटी होती है। चल यहां तक आप समझ गए। अब इसके आगे भी हम लोग देखते हैं। यह जान लिए कर्क रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध पर दिन कब बड़ा होता है, सबसे बड़ा दिन, और रात कब छोटी होती है। दक्षिणी ध्रुव पर दिन कब बड़ा होता है और रात कब छोटी होती है। आइए अब हम इक्वेटर विषुवत रेखा पर हम जानते हैं कि दिन बड़ा छोटा होता है या नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होती है। क्या होता है? इक्वेटर पर जो है दिन और रात जो है बराबर ही होती है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर ही दिन जो है बड़ा छोटा होगा, लेकिन इक्वेटर पर जो बीच से गुजरता है पृथ्वी के, वहां दिन और रात बराबर होती है। काल्पनिक रेखा माना गया है, यानी विषुवत रेखा इक्वेटर पर दिन और रात बराबर होगा। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है। यानी दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों पर 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होगा। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, दोनों में जो है कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों हम इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देख लेते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आप कैसे इसको हल करेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए यहां से एग्जाम में प्रश्न जो है बनता है, और हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम इसको प्रश्नों को शुरू करते हैं। ये हम यहां से इसको मिटा देते हैं, और चलिए प्रश्न हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन कैसे प्रश्न पूछा जाएगा चैप्टर से ये हम जानते ही नहीं है। मेरा मकसद चैप्टर पढ़ाते हुए, मैपिंग कराते हुए और क्वेश्चन भी कराना है। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा पृथ्वी की दैनिक गति, जिसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति के कारण क्या होता है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है उसके कारण जो है क्या होता है, तो उसके कारण जो है वह क्या होगा,
दिन एवं रात होता है, दिन एवं रात होता है। पहला प्रश्न तो ये बन गया। अब पूछे पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, ये दूसरा प्रश्न बन जाएगा। तो दूसरा प्रश्न अगर पूछे पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, तो क्या होगा पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण। तो अभी हम आपको यहां पर बताए थे मौसम परिवर्तन होगा। भारत में चार प्रकार के ऋतु देखने को मिलता है। पहला 21 मार्च को मिलता है बसंत ऋतु, उसके बाद जो है 21 जून को मिलता है ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद 23 दिसंबर को मिलता है शरद ऋतु, और उसके बाद जो है 22 दिसंबर को मिलता है शीत ऋतु। यानी क्या हो रहा है, मौसम परिवर्तन होता है। इसका उत्तर क्या होगा, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौसम परिवर्तन। अब यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, यहां तक तो आप एकदम समझ गए होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन जो इससे बनेगा, तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, आइए जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होता है या दिन बड़ा या रात छोटा हो सकता है। तो चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। विषुवत रेखा पर क्या दिन रात बराबर होती है। अब इसका उत्तर पूछेगा हां या ना, तो नहीं भैया बराबर होती है, ना दिन छोटा होता है ना रात छोटा होता है, बराबर होता है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा हां, विषुवत रेखा पर क्या दिन रात बराबर होती है। हां, अगर क्वेश्चन पूछता विषुवत रेखा पर क्या दिन रात बराबर नहीं होती है, तब कहेंगे ना नहीं, ठीक है, बराबर होती है। अब चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम जो है इस प्रश्न को मिटा देते हैं। लीजिए, मैंने इस प्रश्न को मिटा दिया, अब हम अगला प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बन सकता है कि दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर कब होती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर कब होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दिन और रात बराबर कब होती है। अगला प्रश्न हम ले लेंगे, ये हमारा चौथा प्रश्न है। उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध पर दिन एवं रात बराबर कब होती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दिन और रात बराबर कब होती है, तो उत्तरी गोलार्ध पर 21 मार्च और दक्षिणी गोलार्ध पर 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती है। यानी दोनों गोलार्ध पर जो है दिन और रात कब बराबर होती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात दोनों गोलार्ध पर
बराबर होती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होती है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध पर दिन और रात बराबर होगा। अब अगला प्रश्न है कि कर्क संक्रांति किसे कहते हैं, या 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है इसलिए इसे कर्क संक्रांति कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। अब प्रश्न पूछ लेगा उत्तरी गोलार्ध में कब दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। एक और प्रश्न यहां से बन जाता है, पांचवा प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में दिन कब बड़ा एवं रात कब छोटी होती है। उत्तरी गोलार्ध जिसको जिसको हम लोग कहेंगे नॉर्थ पोल, इस पर कब दिन बड़ा होगा और रात छोटा होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 21 जून। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध पर दिन बड़ा और रात छोटी, लेकिन 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध पर दिन भी बड़ा और रात भी छोटी ऐसा नहीं, 21 मार्च को दिन भी और रात दोनों बराबर उत्तरी गोलार्ध पर, लेकिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर दिन बड़ा और रात छोटी होती है। ठीक है, अब अगला है कि कब दक्षिणी गोलार्ध पर यानी साउथ पोल पर दिन बड़ा और रात छोटी होती है। तो चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं, कब दक्षिणी गोलार्ध पर दिन बड़ा एवं रात छोटी होती है। अब ये प्रश्न यहां से क्या बन जाएगा, ये तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए 22 दिसंबर यानी इसका उत्तर होगा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ पोल पर दिन बड़ा और रात छोटी होगी, लेकिन 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर दिन और रात दोनों बराबर होगा। कंफ्यूजन दूर हुआ, एग्जाम में खूब पूछता है प्रश्न, चैप्टर पहले हम पढ़ें फिर प्रश्नों को भी हम एक एक कर देखें कैसे यहां से प्रश्न जो है आपका पूछेगा और हमको उसका उत्तर सही से देना है। दोस्तों मेरा प्रयास जो भी पढ़ाऊं उसको एकदम सटीकता से पढ़ाऊं, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन भी बताते चलूं। स्टूडेंट दिन रात चैप्टर पढ़ते हैं लेकिन कैसे प्रश्न पूछा जाता है वही उनको नहीं पता रहता है। मैं अपने कोचिंग में भी बताता हूं कि बाबू चैप्टर वही पढ़ो जहां से प्रश्न 100% बन रहा हो, चैप्टर वो पढ़ो ही नहीं जहां से प्रश्न बनता ही नहीं, क्या करेंगे आप चैप्टर पढ़ के, विद्वान थोड़े होना है, एग्जाम निकालना है, परीक्षा निकालना है, इसलिए चैप्टर पढ़िए क्वेश्चन देखिए, चैप्टर पढ़िए क्वेश्चन देखिए। हम भी पढ़ा रहे हैं, चैप्टर पढ़ाएंगे क्वेश्चन भी बताएंगे। चलिए आप अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका पृथ्वी की गतियां के बारे में जो आपका जो दिमाग में जो लगता है कि अरे इसको रटना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कैसे पढ़े, भैया कुछ नहीं करना है, आप मेरे वीडियो को 2-4 बार देखिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है, 100% हो जाना है, फैक्ट भी मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ट्रिक भी मिलेगा। यहां से कोई भी ट्रिक मैंने इसलिए नहीं बनाया कि ट्रिक पे यहां आपको याद नहीं होगा, अगर आपको इस तरह मैपिंग के थ्रू अगर आप एक बार देख लीजिएगा 100% याद होगा। लास्ट में कहेंगे बाय बाय।